भदोही सांसद रमेश चंद बिंद का टिकट? क्या भदोही सांसद रमेश चंद बिंद का विकास कार्यों से भदोही की जनता खुश नहीं थी या फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कुछ और ही लग रहा था? आखिर ऐसे क्या कारण थे कि मौजूदा सांसद रमेश बिंद का टिकट काटकर भाजपा ने मजवा के निषाद पार्टी से विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को अपना टिकट दे दिया? क्या वाकई भदोही के नेताओं के अंदर वो जनप्रतिनिधि तो नहीं है या फिर उनके अंदर वो छवि नहीं है जिससे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उनके ऊपर भरोसा जता सके? आखिर क्या ऐसे कारण है कि लगातार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करके किसी गैर जनपद के प्रत्याशी को मैदान पर उतार कर यहाँ की चुनावी आबो हवा को बदल दे रहा है? आखिर ऐसे क्या कारण है? नमस्कार, मेरा नाम है शिवांशु दुबे और आप देख रहे हैं भदोही बुलेटिन। दर्शकों, भदोही लोकसभा सीट पर आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भदोही लोकसभा सीट पर 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा सहित तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, मगर भाजपा और सपा की इस सीट पर सीधी टक्कर मानी जा रही है। भाजपा ने मिर्जापुर के मलवा से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को अपना प्रत्याशी बनाकर भदोही लोकसभा सीट पर मैदान पर उतार दिया है। इसी तरह अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस से इस सीट पर समझौता करके यानी गठबंधन करके गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाकर भदोही लोकसभा सीट के मैदान पर उतार दिया है। भदोही लोकसभा सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी और मिर्जापुर के मजवा से विधायक डॉक्टर विनोद बिंद की सीधी टक्कर मानी जा रही है। भदोही लोकसभा सीट इस वक्त पूर्वांचल की हॉट सीट बन गई है, क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस से समझौता करके गठबंधन करके यूपी में केवल ये अकेला ये भदोही लोकसभा सीट है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से समझौता करके भदोही लोकसभा सीट पर वो प्रत्याशी घोषित हुए हैं। ऐसे में भदोही लोकसभा सीट का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि भाजपा ने भी रमेश बिंद का टिकट काटकर मिर्जापुर के मजवा से विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो यानी सपा और भाजपा का सीधी टक्कर इस सीट पर माना जा रहा है। और दोनों सीट के दोनों ये जो भाजपा और सपा के जो दोनों प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क करके जनता को अपनी ओर रिझाने में लगे हुए हैं। ऐसे में जो सीटों का समीकरण है वो आने वाले चुनाव में यानी 25 मई को होने वाले चुनाव के बाद रिजल्ट में साफ हो जाएगा। हम इस बात की दावा नहीं कर रहे हैं कि आखिर कौन जीतेगा ये चुनाव, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर भदोही का किंग कौन बनेगा, यानी भदोही की कुर्सी पर राज कौन करेगा। मौजूदा सांसद जो निवर्तमान सांसद है रमेश चंद बिंद, क्या उनके विकास कार्यों से भदोही की जनता खुश नहीं थी? आखिर ऐसे क्या कारण पड़ गए कि रमेश चंद बिंद का टिकट काटना पड़ा? और आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि भदोही में ऐसे कोई नेता नहीं मिले पार्टी को, या फिर ऐसे जनप्रतिनिधित्व की कमी रह गई जनपद में कि नेताओं को जगह नहीं मिली? जनपद के जो नेता है जो ऐसे कई सालों से तैयारी कर रहे थे, ऐसे तमाम कद्दावर, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता है जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे कि उन्हें भी लोकसभा चुनाव में पार्टी उनके ऊपर भरोसा जता है, पार्टी उनको टिकट दे, लेकिन पार्टी ने ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर दिया। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जनपद में तमाम भाजपा के ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्हें पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और मिर्जापुर के मजवा से विधायक निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को भाजपा ने टिकट दे दिया और उन्हें भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का अवसर दे दिया। फिलहाल अब भाजपा और सपा की इस सीट पर सीधी टक्कर मानी जा रही है और ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि इस सीट पर जीतने वाला कौन होगा या फिर इस सीट पर राज करने वाला कौन होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि भदोही लोकसभा सीट पर आगामी दिनों में विजयी कौन होता है, जनता किसके ऊपर भरोसा जताती है और भदोही लोकसभा सीट जीत कर दिल्ली तक कौन जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सांसद रमेश चंद बिंद का टिकट कटा है और भाजपा ने स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करके, स्थानीय नेताओं के जनप्रतिनिधित्व को नजरअंदाज करके किसी नए प्रत्याशी को, किसी गैर जनपद के प्रत्याशी को मैदान पर उतारकर जनपद की चुनावी आबो हवा को बदल दिया है, तो कहीं ना कहीं इशारा साफ है कि चुनावी माहौल काफी बदल चुका है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या भाजपा यहाँ दोबारा जीत सकती है या फिर दोबारा यहाँ भाजपा का कमल खिल सकता है या फिर समाजवादी पार्टी इस सीट पर हावी होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल बने रहिए खबर के साथ और इस खबर के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से आपको क्या लगता है कि भदोही लोकसभा सीट पर आखिर कौन हावी होगा? क्या भाजपा इस सीट पर दोबारा जीत सकती है या फिर समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना जलवा बिखेर सकती है?
फिलहाल आपको जो लगता है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और जनपद की तमाम छोटी बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।